तो बाकी जी अपना जो हम सफर है उसको फिर मरम्मत करवाने ला गया। ओ भाई साहब, पूरा लाल लाल पानी बता। बैल जा रहे हैं ना, उनका सींग है ना, वो एक ही प्रकार के है भाई। तो बाकी जी गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो जी इस वक्त हम हैं अभी महेंद्रगढ़ है, और रात में आपको बताया था मैं कहाँ पे रुका हूँ, तो वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ रुका हूँ, और वो चीज़ वही लोग बताएंगे कि हम कहाँ हैं और ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ का जगह है। तो आपको वो जो सर है ये उनसे सर हैं तो थैंक यू सो मच सर आपके पास हमें स्टे करवाने के लिए। बाकी आप हमें बताएंगे कि आप मतलब ये क्या है क्या चीज़, मैं रात में बताया नहीं था किसी को। ये मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी है। अजी अजी यहाँ बच्चों को नेवी, एयरफोर्स, यस सर आर्मी जी जी और पुलिस, जी जी इनके लिए तैयार किया जाता है। ओके ओके सर बेस्ट फिजिकल एकेडमी, ओके ओके सर मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स एंड यार डिफेंस एकेडमी महेंद्रगढ़। अच्छा। तो बाकी जी ये है मिल्खा सिंह एकेडमी, तो रात में हम लोग यहाँ पे रुके थे। और बाकी ये सब भाई हैं यहाँ के, मतलब स्टूडेंट हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और सभी देख रहे हो ना भाई लंबे लंबे हैं बढ़िया से। तो आप सभी जने को ऑल द बेस्ट भाई, आप लोग के मतलब आने वाले जो जर्नी है आप लोग अच्छे से मतलब मेहनत करो और बढ़िया सेलेक्ट हो जाओ। जो चीज़ में भी आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप सब सबके सब जने को शुभकामनाएं, और जल्दी से जल्दी आप आर्मी ऑफिसर बनो और एक अच्छे ऑफिसर बनो बढ़िया से। ठीक है भाई, जय हिंद। तो बाकी जी एक कुछ था, हम रुके थे एकेडमी में। हाँ ये भी भाई भी है, आप तो भी बेस्ट ऑफ लक, आप भी एक अच्छा ऑफिसर बनो। क्या बनना चाहते हो भाई? दिल्ली पुलिस में लगना अच्छा, चाहता दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हो, तो भाई दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी ये सब चीज़ है भाई, इधर पे बहुत सारा हॉल है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है भाई, तो यहाँ पे सभी लोग ये लोग रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा बहुत सारा एकेडमी है, लोग वहाँ से मतलब ट्रेनिंग करके मतलब अच्छा फिजिकल फिट होके एक अच्छा पोस्ट में जाते हैं, और एक अच्छा मतलब और जो भी आर्मी BSF जो भी है उस चीज़ में जाते हैं। बाकी जो एकेडमी है मिल्खा सिंह एकेडमी है, उनको दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। सर आपका नाम नहीं बताया हमें। थैंक यू। मेरा नाम बॉक्सिंग कोच धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र सर हैं बॉक्सिंग कोच। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, सर आर्मी से रिटायर हैं, तो बाकी जितने भी फौजी इनको तो दिल से रिस्पेक्ट है बच्चे को। आपको भी बेस्ट ऑफ जर्नी, और आप जिस मकसद से आए हैं, जिस को लेकर आए, वो आपका पूर्ण रूप में हम आपका सहयोग करेंगे, और आप बहुत अच्छी एक उसको मुहिम को लेके चल रहे हैं। जी जो पेड़ लगाना, आज ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है, जी जी इसके लिए ये जो देश भर में आपने इसके लिए वो जो चलाया है, मैं उसका आपके बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक अच्छी मुहिम लेकर इस अपने देश को, अपने प्रदेश को और सबको ऑक्सीजन और प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं। थैंक यू। ओके सर ओके। तो बाकी जी आपको मिलेंगे हम थोड़ी देर में, तब तक के लिए भारत माता की। तो बाकी जी एक बार आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, और सुबह के अभी 8-10 हो गए हैं और हम निकल गए वो मिल्खा सिंह एकेडमी से जहाँ हम रात में रुके थे भाई। इधर पे एकेडमी बहुत है, तो रात में वो एकेडमी में रुक गया था मैं, क्योंकि मेरे को रात में ना जगह नहीं मिल रहा था इधर पे यार रुकने का, पता है पेट्रोल पंप ना ढाबा, तो मैं सीधा एकेडमी में चला गया। तो बाकी जी मौसम का हाल बता दे, आज तो बहुत मस्त है क्योंकि पूरा बदल के है भाई, मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है इधर पे, पूरा गांव एरिया है ना तो पूरा हरा भरा है। एक कैसा रोड है भाई, ये पत्थर पत्थर जैसा बिछा के रख दिए बता रहा हूँ। ये आगे से अब रोड ठीक है यार। ए भाई जी अपना जो हम सफर है उसको फिर मरम्मत करवाने ला गया, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था बहुत चैन में।
तो सामान निकाल के अब देख रहे हैं अभी ठीक करके क्या प्रॉब्लम है तो इसमें। तो जी पूरा खोल दिए अभी तो साइकिल का वो जो रिंग था उसको, मतलब वो वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो दिख रहे हैं इसको नया लगाना पड़ेगा, जो बीच में चक्री रहता है ना उसको, ऐसा लग रहा है। तो जी हम निकल गए अब आगे साइकिल का थोड़ा रिपेयरिंग करवा के, लेकिन ना मतलब मैं तो चेंज नहीं करवाया वहाँ पे नया, मैं बोला उसी को चलने दो अभी। वो बोला कि काम चल जाएगा, चलो करके बोला साइकिल वाला, अभी काम चलेगा तो आप चलाओ जितना हो सके उतना, बोला ठीक है चलने देते हैं। तो जी आगे देख रहे हो जितना भी बैल जा रहे हैं ना, उनका सिंग है ना वो एक ही प्रकार के है भाई, लग रहा और कितना खतरनाक खतरनाक है भाई सिंग। तो जी अभी जो सिटी में चल रहे हैं आए हैं अभी ये चरखी दादरी, सिटी का नाम है भाई चरखी दादरी, और धूप बड़ा तेज हो गया है भाई। अभी एक छाव में आ गए हैं, ये है नीलगिरी का पेड़ ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना हम सफर है, और जो सामने वाला गांव मिला था चरखी दादरी करके, वहाँ पे खाना वाना खा लिए। और भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, देख रहे हो सामने में भाई कितना धूप है यार, इधर भी देख रहे हो माँ कसम। तो बाकी जी हम निकल गए थोड़ा रेस्ट करने के बाद, इस वजह जल्दी निकले क्योंकि सामने बहुत मौसम बहुत मस्त हो गया है, देख रहे हो सामने काले बादल, पूरे तरफ काले बादल और ना धूप नहीं है, और अभी 2 बज गए हैं ऐसे, तो हम सोचे निकला जाए जल्दी से जल्दी। तो जी इधर हो गया बारिश और हम अब रिंग कोट पहन लिए हैं, बाकी अभी तो बारिश थम गया है। तो जी आगे एक टोल गेट छोटा वाला 3 लेन वाला टोल गेट है, वो फास्टैग लगवाएं डबल देर से बच्चे का है। तो बाकी जी गुड इवनिंग आप सभी जने को, वक्त हो गया है 4:20 और हम चल लिए हैं रोहतक की ओर, आज हमारा टारगेट है रोहतक में, वहाँ तक जाएंगे। रोहतक यहाँ से अभी 45 किलोमीटर दूर है, और रोहतक में अभी एक भैया है, मतलब मेरे को रास्ते में मिले थे वो भैया, हो सके तो आप मेरे जो हरियाणा एंटर किया था वो वाला ब्लॉग में देख सकते हो। आप एरिया में थोड़ा धान का फसल लगाए हैं, थोड़ा बहुत धान का फसल कर देगा इस एरिया में, देखो रोपा ओपा लगा के रखे, बारिश भी हुआ है, मतलब इतना पानी ठीक है रोपा लगाने के लिए, इससे ज़्यादा हो जाता है ना भाई तो रोपा लगाने में भी दिक्कत है, और अभी अभी लगाएं ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको लगाएं। तो बाकी जी अभी टाइम हो गए हैं 5:10 और शाम होने वाला है, ऐसे शाम होता नहीं जल्दी, लेकिन बदल के वजह से आपको लग रहा होगा शाम होने वाला है। यार भयंकर इधर तो यार रोड का पूरा हालत ख़राब है भाई, देख रहे हो इधर पानी में तो और दिक्कत होता है इधर ऐसे साइड रोड में। ओ भाई साहब पूरा लाल लाल पानी बता। तो जी फाइनली अब हम आ गए मेन हाईवे में, पहले तो हम गांव से आ रहे थे ECR में, अब आ गए NH में, 8 किलोमीटर बाकी है
तो हम डायरेक्ट वहीं पे जाके आपसे मिलते हैं। मैं बता रहा था कि मेरे को कोई राजस्थान में मिला था, तो मैं उनके पास आया हूँ और आके भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मैं तो सोचा नहीं था कि यार हमें हरियाणा में भी आके इतना सारा प्यार मिलेगा, और आप लोग देख के ना अचंभा हो जाओगे कि इतना लोग हमें प्यार सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आए और मेरे को खाना वाना सब खिलाएं। तो बाकी उन सभी से आपको मिलाते हैं और पर्सनली उन भैया से भी मिलाएंगे हम आपको, जिनने हमें बीच रास्ते में रोका था। आप लोग मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखे भी होंगे कि बीच रास्ते मिला था और हमसे बात किया था और नंबर भी दिया था। बाकी वहाँ आके हम रुके हैं। तो आप सभी जी को राम राम, हरियाणा में यही बोलते हैं ना, राम राम, इसलिए बोल दिया आप लोग का राम राम। तो बाकी जी ये है पवन भैया, तो थैंक यू सो मच पवन भैया। तो ये है पवन भैया जी, जिन्हें हमें यहाँ पे इनवाइट किया था अपने ऑफिस में और यहाँ पे, और खाना वाना भी खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा पवन भैया। तो बाकी ये यहीं के भैया लोग हैं, स्टाफ लोग हैं। तो सर आपका नाम? रवि कुमार सैनी। अच्छा, आपका नाम सर? उपेंद्र सैनी। और आपका नाम सर? यतेंद्र। आपका नाम जी? मेरा देव। देव, हाँ जी। शुभम। शुभम। अनिल। आपका नाम भैया? सन्नी कौशिक। अच्छा, आपका भैया? कुलदीप राठी। तो जी ये सभी जने का नाम आप सबले सुन लिए। तो ये सभी जने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किए और खाना भी खिलाए, इन सभी के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा यहाँ पे बुला के खाना खिलाया और इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो बाकी सनी भैया आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये मेरे को, मैं अजमेर से जयपुर आ रहा था, तो मेरे को ये रास्ते में मिले जी जी, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने भाई से पूछा कि मैं कैसे आप साइकिल पे चल रहे हो, तो इन्होंने बताया मैं एनवायरनमेंट के लिए पूरे इंडिया के 29 स्टेट घूम रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनसे आगे का प्लान पूछा, आपका आगे का प्लान क्या है, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से चंडीगढ़ से श्रीनगर जाऊँगा, तो मैंने बोला कि रोहतक रास्ते में आएगा, जब रोहतक पहुँचो तो मैंने इनको नंबर दिया, मैं कहा एक रात स्टे मेरे साथ करना, और जो आप जिस इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हो तो रात को रुकना और सुबह भी हम भी साथ में मिलके प्लांटेशन करेंगे। मेरे को खुद भी प्लांटेशन का बहुत शौक है, ग्रीनरी का बहुत शौक है, पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो क्यों ना कर मैं का इसको इस प्लेटफॉर्म से हम इसको एक मोटिवेट करें और आगे बढ़ाएं कि भाई जो हम खुद काम करते हैं वो बाकी दुनिया देख के मोटिवेट हो और उसके ऊपर आगे काम किया जाए। हम सभी जने यहाँ मिलके एक निर्णय लेते हैं कि हम सभी जने अब क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे और स्वच्छ रखेंगे और पेड़ लगाएंगे। तो बाकी जी ये कुछ था यहाँ पे आने के बाद। तो आप लोग देखे ना कि मैं तो सोचा नहीं था, आप लोग भी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जी ये सब चीज़ होता है यार, ट्रेवलिंग करने से, साइकिलिंग करोगे तो ऐसे बहुत मतलब मोमेंट आता है। अब ये मोमेंट आ गया भाई, ये मेरे मतलब एक जुड़ गया जिंदगी के साथ में, मैं कभी भूलूंगा नहीं कि रोहतक आया था और ये पवन भैया और बाकी जो भैया लोग हैं उनसे मैं मिला था, तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला यहाँ पे आने के बाद खुशी मिल रहा है। तो बाकी ये था आज के ब्लॉग में, और पानी मतलब लाल हो गया था पानी, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत और ख़राब है, अब आगे जाने के बाद पता नहीं कैसा होगा। तो बाकी अब आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।